मलेरिया विभाग के द्वारा दवा उपलब्ध करवाने के बाद भी दवा का छिड़काव नहीं हुआ। श्योपुर में नगर पालिका स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है, यही कारण है कि नगर में जगह जगह वार्डो में बरसात के चलते हुए जलभराव और जलभराव से पनप रहे मच्छर व मच्छरों के लार्वे को लेकर नगर पालिका गंभीर नहीं है, जबकि नगर में मच्छरों के आतंक से लोग परेशान है। इतना ही नहीं, मच्छरों के दंश से लोग अस्वस्थ भी हो रहे हैं। जब मलेरिया विभाग द्वारा मच्छरों के लार्वे को समाप्त किए जाने के साथ ही मच्छरों की समाप्ति को लेकर नगर पालिका को दवा उपलब्ध भी कराई जा चुकी है, मगर इसके बाद भी नगर पालिका नगरवासियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। यही नहीं, मलेरिया विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर में लार्वा नष्ट करने के लिए हम नगर पालिका को दवाई दे देते हैं, जिसको लेकर शहर के विभिन्न वार्डो में नगर पालिका जवाबदारी होती है। फॉकिंग से लेकर लार्वा नष्ट करने की जवाबदारी नगर पालिका की होती है, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता। नगरीय क्षेत्र में मलेरिया की दवा के छिड़काव को लेकर आपके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? नगरीय क्षेत्र के लिए हम शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को हम टेमोफास दवाई और पायरेथ्रम दवाई का दवाई देते हैं, जिससे नगर पालिका के द्वारा फॉगिंग की जाती है और टेमोफास का घोल भी डलवाने का प्रावधान नगर पालिका का है, जहाँ जहाँ पे जहाँ पानी के स्रोत बने हुए हैं। साहब, लगातार रिमझिम बारिश गिर रही है और बारिश के चलते शहर में मच्छरों का आतंक बना हुआ है और नगर के कई वार्डों में मच्छरों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। नगर पालिका स्तर पर अभी दवाई का छिड़काव नहीं हुआ, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो एक फॉगिंग हमारी स्प्रे कर रही है और नई परिषद हमारे सामने आ गई है, PIC भी बन गई मेरे हिसाब से, तो और ज़्यादा तरह से कार्रवाई की जाएगी इसमें कि प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग हो, टेमाफोस दवाई का छिड़काव हो, पायरेथ्रम का छिड़काव हो, इस संबंध में उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक फॉगिंग है जो कि पूरे शहर को कवर कर रही है, एक फॉग मशीन और हम क्रिएट कर लेंगे PIC से स्वीकृति लेके, तो उसको भी अन्य वार्डों में रवाना डाल देंगे। पानी जैसे ही कम होगा बरसना, तो खाली प्लाटों में जो पानी भरा हुआ है उसमें डेंगू और मलेरिया के जीवाणु ना पनपे, इसके लिए हम मलेरिया विभाग से हमने बात की है, टेमाफोस दवा उपलब्ध कराएंगे, उसको हम नालपुर में डलवा देंगे। सीएमओ साहब, इस वक्त बरसात गिर रही है और बरसात के चलते नगर के तमाम वार्डो में मच्छरों की पैदावार बहुत भयंकर हो चुकी है, लोग मच्छरों से परेशान हैं और मच्छरों के चलते लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में दवा के छिड़काव को लेकर और फॉगिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने नालों की पहले सफाई कराई, उसका परिणाम ये हुआ कि बारिश में कहीं भी जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं हुई है और डिस्चार्ज भी अच्छा हुआ है। अभी नवगठित परिषद आई है जिसमें सम्माननीय पार्षद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं प्रतिदिन, अभी दो दिन से नहीं गए हैं, तो इसमें कहीं कहीं पे दवाई छिड़काव वगैरह की तो उसके प्रकरण तैयार कर लिए और जल्दी से जल्दी PIC की बैठक होनी है, उसमें स्वीकृत करा करके जो कमी है वो पूर्ति कराएंगे। एक फॉग मशीन हम और खरीद रहे हैं, एक फॉग मशीन तो चली रही है, ठीक है ना, और जो दवा का छिड़काव है वो अभी चल रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो नहीं है, उसमें हम गति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी ऐसी कोई ज़्यादा शिकायत भी हमको प्राप्त नहीं हुई, जहाँ शिकायत होती है वहाँ सफाई का कार्य करा रहे हैं। और आपने इस संबंध में जो है जागरूक किया है, आपकी बात को भी महत्व देंगे, जनहित की बात है आपकी और उसका हम जल्दी क्रियान्वयन करा रहे हैं।